असलकम दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अली शहबाज़ मेंबर नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आज दोस्तों ब्रायोनिया के केस को डिस्कस करते हैं आ, ये 20 साल की एक लड़की है जिसको तकरीबन कोई 8-10 दिन से बुखार खांसी गला ख़राब और कमज़ोरी वगैरह की शिकायत है तो ये अपनी वालदा के साथ क्लिनिक में आती हैं तो जो सबसे पहली बात ये करती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इतने दिन हो गए हैं मेरी तबीयत ख़राब है ये देखें ये मैं मेडिसिन खा रही हूँ उसमें काफ़ी हाईएस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन थी तो डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा दवाई खाने के बावजूद भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा बल्कि आप ये कह लें कि मुझे इस दवा से जो फ़ायदा होना चाहिए था वो तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है हालांकि ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी है मैंने दोबारा उसी डॉक्टर से रबता किया तो उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इतना रिलीफ़ नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इस मेडिसिन को चंद दिन इस्तेमाल करें तो अब देखें डॉक्टर साहब आठ दिन होने को आए हैं तो अभी तक मुझे किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ़ नहीं मिल रहा तो जब मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर मैं इस मेडिसिन को क्यों इस्तेमाल करूं अब ये जो वर्ड्स हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा हमारे लिए ये बड़े ही अहमियत के हैं जब मरीज़ ये बात करता है कि डॉक्टर साहब जो मैं मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे मुझे रिलीफ़ नहीं मिल रहा मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा तो ये उसकी बिज़नेस टाक है इसको सिंपली हम रूब्रिक लेते हैं बिज़नेस टॉक टॉकिंग बिजनेस ऑफ अच्छा सबसे पहले जब हम केस स्टार्ट करते हैं तो मरीज़ अपनी बहुत सारी जो अमत होती हैं वो डे जी मुझे खांसी हो रही है मुझे बुखार है मुझे ये हो रहा है मुझे ये हो रहा है वो अपनी एक राम कहानी ज़रूर बयान करता है तो जब हम टू दी पॉइंट केस पर आते हैं तो उसमें जो ख़ास ख़ास चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं तो मैंने पूछा कि भई आप अपने प्रॉब्लम के दौरान क्या चाहते हैं या किस तरीके से आपको रिलीफ़ महसूस होता है आप क्या करना चाहते हैं तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब मैं बस आराम करना चाहती हूँ मुझे लगता है कि मैं अगर आराम करूँगी तो फिर मैं ठीक हो जाऊँगी तो ये सिंपल सा रूब्रिक रेस्ट डिज़ायर फॉर है और तीसरी उसने बात कही कि डट मुझे शोर अच्छा नहीं लगता मेरे पास अगर कोई बातें करता है या कोई बार बार आके कोई बात करता है कोई कमरे में भी दाखिल होता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है इससे फिर मेरी नींद जो होती है वो एक तो ख़राब होती है दूसरा फिर मुझ में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है तो ये सिंपल र्यूबरिक डिस्टर्बड अवर्जन टू बीइंग है और बस डॉक्टर साहब मैं आराम करना चाहती हूँ मैं खामोशी से लेटे रहना चाहती हूँ तो इसके लिए जो र्यूब्रिक लिया गया वो था क्वाइट वांट्स टू बी अब ये टोटल चार रूब्रिक लिए गए तो इन चार यूबरी की बुनियाद पर उसके लिए जो मेडिसन सेलेक्ट की गई वो थी ब्रायोनिया उसको ब्रायोनिया 200 की दो डोज़ दी गई एक तो ऑन द स्पॉट दी गई और दूसरी बोला कि भई अगर आपको लीफ ना मिले तो आपने आधे घंटे के बाद ले लेना है और कल मुझे बताना है तो उसके दो दिन बाद पेशेंट दोबारा नहीं मेरे पास आई है फिर उससे अगले दिन जो है ना वो यानी कि तीसरे दिन वो अपनी वालदा के साथ आती है तो वो बोलती है कि डॉक्टर साहब आज इन्हें मेडिसिन दें अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो बहुत ठीक हूँ उसका चेहरा एकदम बिल्कुल फ्रेश था मुस्कुराहट के साथ वो जो चिड़चिड़ापन था वो जो चेहरे की बेरो की थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी और पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ठीक हूँ जैसे ही वो मैंने मेडिसिन ली है तो फिर मुझ में ऐसे लगा जैसे जिसम के अंदर कोई ताकत आ गई है तो मैं उसी डोज से मैंने दूसरी भी डोज़ जा के ले ली थी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से बहुत ठीक हूँ तो हालाँ शुरू में मैंने बोला था कि भई आपको चंद दिन मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी कम से कम आपको एक हफ़्ता मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन उसने कहनी डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हूँ मुझे और मेडिसिन नहीं चाहिए तो ये ब्रायोनिया का एक केस ये ब्रायोनिया का एक केस था और माइंड मेथड पे सिलेक्ट की हुई ब्रायोनिया ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया बल्कि इससे तो पेशेंट भी बहुत जो है सरप्राइज़ हुआ कि इतने दिन से मैं इतनी कड़वी मेडिसिन ले रहा था तो इस डोज़ ने मुझे बहुत जबरदस्त रिलीफ दिया बल्कि डॉक्टर साहब जैसे ही वो मैंने मेडिसिन ली है तो मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला उसके साथ दो दिन की पलासिबो थी तो ये एक ब्रायोनी का केस है और देखें कि हमारी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर कितनी वर्थ है ये कितनी इसके अंदर ताकत है सिर्फ और सिर्फ अगर हमारी सिलेक्शन ठीक हो इसी के साथ अलीशबाज को